लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए जहां एक और प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थक भी अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। उसी कड़ी में अयोध्या में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर रामविलास वेदांती ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वे केवल सपना देखें, वे आज भी पप्पू के पप्पू ही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे तो राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म करेंगे। इस पर श्री वेदांती ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल पर चले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस धारा को खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखाई। राहुल ने यह कहकर यह सिद्ध कर दिया कि वे आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उनसे फंडिंग ले रहे हैं। मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 से अधिक सीटों से जीतेंगे और वही इस देश के सच्चे चौकीदार हैं। धारा को खत्म करना माने आतंकवादियों को खुली छूट दे देना। राहुल गांधी इस धारा के माध्यम से चाहते हैं कि हमको केवल मुसलमानों का वोट मिले और हिंदुओं की वोट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि कश्मीर में हजारों आतंकवादी जेलों में जो बंद हैं, भाजपा की सरकार बनती है तो हम 370 धारा समाप्त करेंगे और 370 धारा समाप्त करेंगे, अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराएंगे। अमित शाह ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और योगी आदित्यनाथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नहले पर दहला मारने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राहुल गांधी पप्पू के पप्पू ही रह गए, कभी किसी कीमत पर अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस उत्साह के साथ ये कहा कि मैं राष्ट्रद्रोह की धारा ही खत्म कर दूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवादियों की ओर से राहुल गांधी को खुलेआम पैसा मिलता है। चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश राहुल गांधी को पैसा देकर चाहते हैं कि इस देश का फिर से विभाजन हो जाए, देश में फिर क्रांति हो, फिर हिंदू मुस्लिम दंगे हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो हम 370 धारा समाप्त करेंगे और 370 धारा समाप्त करेंगे, अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराएंगे। अमित शाह ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है और योगी आदित्यनाथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नहले पर दहला मारने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राहुल गांधी पप्पू के पप्पू ही रह गए हैं। देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि चौकीदार बनना स्वीकार किया है प्रधानमंत्री ने, तो हमारे देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलकर चौकीदार बनने को तैयार है। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी राष्ट्र का रक्षक हूँ, देश का रक्षक हूँ, समाज का रक्षक। तो वहीं डॉक्टर रामविलास वेदांती के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने कहा कि पहले वो संत रामविलास वेदांती संत हैं, उनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। दो दिन पहले तक वो भाजपा की बुराई कर रहे थे, फिर दो दिन बाद भाजपा की अच्छाई कर रहे हैं। न्यूज़लेंस के लिए अयोध्या से अश्विनी की रिपोर्ट। अगर संत लगता है तो एक संत के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। मैं समझता हूँ कि एक संत वही व्यक्ति है जिसकी भाषा में शुचिता हो, मर्यादा हो और सबके प्रति सम्मान हो। जिस तरीके की शब्दावली एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये संत की श्रेणी में तो कतई नहीं आता है। और जहां तक वो बात उनको किस तरह के उलझुल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज से एक हफ्ते पहले की आप बात देख लीजिए, वो किस तरह के बयान अपने ही पार्टी के खिलाफ दे रहे थे। तो वह तो बड़ा सशंकित इस बात को लेकर मैं हूं। एक शंका मेरे मन में है कि ऐसा कौन सा एक क्या ऐसा बीजेपी के पास है कि जो बीजेपी के खिलाफ दो चार दिन बोल देता है उसको वो चीज दिखा देते हैं फिर वो बीजेपी के पक्ष में बोलने लगता है। यही रामविलास वेदांती जी दो दिन पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब बोल रहे थे। और जहां तक राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने की बात है, तो एक बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस पूरे 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अगर किसी नेता ने अपने सीने को फुलाकर, सीने को नापने वाली सरकार नहीं है, हम सीने को फुलाकर चलने वाली सरकार है, हम पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने इस पूरे 5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी की दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन किया है और सीने को चौड़ा कर कहा है कि चौकीदार चोर है, और इस तरह का काम हिंदुस्तान में किसी और नेता ने नहीं किया है। राहुल गांधी जी का यह व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व शैली, निश्चित तौर पे पूरे भारतीय जनता पार्टी में भय व्याप्त है।
इस तरह के बयान इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी जी इस हिंदुस्तान के आने वाले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। जिस देखिए ऐसा है कि पिछले 3 दशकों से ये मुद्दा लगातार घोषणा पत्रों का हिस्सा रहा है। जब सवाल उस काम को करने की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हमारे आस्था का विषय है। निश्चित तौर पर यह पूरे हिंदुस्तान के आस्था का विषय है, लेकिन किसी के आस्था के विषय को घोषणा पत्र में डालना क्या ये उस आस्था का अपमान नहीं है क्या? आप मुझे बताइए कि कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगी, ऐसा कोई लिखा पढ़ी में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। जो भी सरकार होगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगी, उसका निश्चित तौर पर उसका अक्षरशः पालन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि मंदिर बनवाएंगे, और निश्चित तौर पर मंदिर बनवाने के नाम पर रामचंद्र जी को ठगने का काम ये कर रहे हैं। एक तरफ मंदिर बनवाने की बात अयोध्या में करते हैं, वाराणसी में सैकड़ों सैकड़ों मंदिर गिरवाने का ये काम करते हैं। तो इनका जो ये दो तरफा इनका चेहरा है जनता के सामने आ चुका है, और राम मंदिर के नाम पर इन्होंने जो लगातार जनता को ठगने का काम किया है, इस चुनाव में जनता उनके इस बहकावे में आने वाली नहीं है। और 2019 के चुनाव में निश्चित तौर पर जनता का पूरा रुझान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की ओर है। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है